तो आप लोग फॉलो कीजिए, इसमें डेंट है, सामने का दरवाज़ा, पीछे का दरवाज़ा, लेफ्ट साइड का, ठीक है, ये पूरा ही डैमेज है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो आज आप लोगों को हम देखेंगे वीडियो जो नया दरवाज़ा कैसे करके चेंज करके उसमें पैमार करके कलर करना पड़ता है, वो प्रोसेस फुल देखेंगे। तो जिस को मेरा ये प्रोसेस देखना है तो प्लीज़ मेरा चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो देखिए जो डैमेज दरवाज़ा है उसका हम खोल रहा है, तो क्योंकि डैमेज ज़्यादा है चलेगा नहीं, तो इसमें हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो नया दरवाज़ा कैसा आता है वो भी आप उसको लोगों को दिखाएंगे, आप लोग देखिए अच्छा से। तो देखिए नया दरवाज़ा है, नया दरवाज़ा ऐसा आता है, दूसरा कलर में आता है, ये ब्लैक पैमार है, इसको बोलता है इडीकोट, और कोई पे ग्रीन आता है, ठीक है। तो MG में आता है आप लोगों का ब्लैक। तो देखिए इसको अभी खोलेंगे, खोलने के बाद इसको जो प्रोसेस है काम का वो प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए, जिसको देखना है जो नया दरवाज़ा कैसे करके रेडी करना है, तो मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए, आप लोग इसमें देखेंगे पूरा जो प्रोसेस जो नया दरवाज़ा का कैसे रेडी करना चाहिए। तो देखिए ये 320 गोल्ड पेपर है, 320 गोल्ड पेपर से पूरा दरवाज़ा को हम लोग सैंडिंग करेंगे। पहले जब भी नया दरवाज़ा होगा तो पूरा आपको सैंडिंग करना पड़ेगा। तो देखिए अभी फुल राउंड पैड है, जिस जगह में मशीन नहीं चलेगा तो उस जगह में हम लोग हाथ से सैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को जो रेडी होगा पैमर के लिए वो फुल प्रोसेस दिखाएंगे। तो जिसको देखना है जो पैमर के लिए रेडी हो रहा है दौड़, तो इस दौड़ को कैसे करेंगे आप लोग कंप्लीट, तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो कीजिए, और प्लीज़ आप लोगों को मेरा चैनल पे सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आप लोग फॉलो कीजिए जो कैसे करके हम लोग नया पैनल को रेडी कर रहा है। तो देखिए सैंडिंग कर रहा है, तो सैंडिंग जरूरी है, सैंडिंग करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए अच्छे से सैंडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरा वीडियो को, और प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो देखिए अच्छा से जिस जगह में जो डबल सेक्शन सेंडर नहीं चलेगा तो उसमें हम लोग हाथ से करेंगे सेंडिंग। तो आप लोग भी कीजिए हाथ से, कुछ नहीं होगा। तो देखिए हम लोग सेंडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से सेंडिंग कीजिए, और कोई जगह भी छूटा नहीं चाहिए, सब जगह में सेंडिंग करना पड़ेगा। कि हम लोगों का सेंडिंग कंप्लीट है, फॉलो कीजिए। तो हम लोगों का सेंडिंग कंप्लीट है, देखिए दोनों दरवाज़ा रेडी है। तो अभी इसमें पैमर मारेंगे, तो गोल्डन ब्राउन कलर है, गोल्डन ब्राउन कलर में भी हम लोग ब्लैक कलर पैमर मारेंगे। देखिए ये ब्लैक पैमर है, तो इसको बोलता है HG7, इस पैमर का HG7। तो आप लोग प्रोसेस देखिए जिसमें हम लोग पैमर कर रहे हैं, नतून दरवाज़ा रेडी हो रहा है, तो रेडी का प्रोसेस अच्छा से देखिए, और आप लोग फॉलो कीजिए वीडियो को। इसमें आप लोगों का पेंटिंग का प्रोसेस, फिर इसका फिटिंग सबका वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए। तो देखिए पैमर कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, अंदर में पैमर नहीं चाहिए ना दरवाज़ा का, जब भी नया दरवाज़ा होगा, न्यू दरवाज़ा होगा, तो न्यू दरवाज़ा में आप लोगों को कभी भी अंदर में पैमर मारना नहीं चाहिए। देखिए तो हम लोग बाहर में न्यू दरवाज़ा को कम्प्लीट किया है पैमर, देखिए पैमर कम्प्लीट है। अभी सैंडिंग का प्रोसेस देखिए, तो सैंडिंग देखिए इसमें हम लोग सैंडिंग करेंगे, और वो भी सैंडिंग करेंगे हम लोग 400 नंबर गोल्डिश पेपर से। तो देखिए 400 नंबर गोल्डिश पेपर है, इससे हम लोग सैंडिंग कर रहे हैं। तो न्यू दरवाज़ा का प्रोसेस आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में अवश्य ज़रूर बोलिएगा, कमेंट में ज़रूर बोलिए। तो आप लोगों को मेरा सैंडिंग का प्रोसेस कैसा लगा न्यू दरवाज़ा का, तो कमेंट में बताइए हमको, और आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट में बोलिए, तो आप लोगों का हम न्यू वीडियो दिखाएंगे। तो जिस किसको मेरा प्रोसेस देखना है तो मेरा प्रोसेस अच्छा से फॉलो कीजिएगा, इसमें आप लोगों का कलर का प्रोसेस दिखाएंगे, न्यू दरवाज़ा को कैसे करके मारना चाहिए। तो आप लोग सेंडिंग का प्रोसेस देखिए अच्छे से, अरे पूरा ड्राई सेंडिंग है।
तो देखिए अच्छे से टाइसनिंग हो रहा है, डबल एक्सल सैंडिंग मशीन से। आप लोग की मशीन पावर कीजिए, आप लोगों का काम अच्छा होगा, आज जल्दी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे करके आपने प्रोसेस व्यवहार किया है तो आप लोग भी ऐसा प्रोसेस व्यवहार कीजिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप लोग देखिए अच्छे से सेटिंग कैसे हुआ। तो सेटिंग आप लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे कि हमने हमने सेटिंग किया है तो आप लोग भी अच्छे से सेटिंग कीजिए। जब भी सेटिंग देखिए, सेटिंग कंप्लीट है मेरा। तो देखिए अभी कलर के लिए गाड़ी रेडी है डोर। तो आप लोगों का स्टार है तो स्टार में खड़ा कर दीजिए। तो मैं दो दरवाज़ा दो पैनल पे लिया हूँ, एक स्टैंड पे और एक ऊपर पे एक स्टैंड है, उसमें भी झूला दिया है दरवाज़ा। तो देखिए कलर हो रहा है और ढाई कट में कलर कंप्लीट होगा। आप लोग मेरा कलर को अच्छे से फॉलो कीजिए और मेरा काम का प्रोसेस कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बोलिए। तो देखिए कलर कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। तो अच्छा से देखिए फॉलो कीजिए, दूसरा जो दरवाज़ा है वो स्टैंड पे खड़ा है, तो आप लोग फॉलो कीजिए अच्छे से। तो कलर का प्रोसेस आप लोगों को कैसा लगा वो अच्छा से बोलिए हमको कमेंट में। आप प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो अगले बार हम और भी कार का जो वीडियो है कार के बारे में वीडियो लेके आएंगे। देखिए फॉलो कीजिए, तो फॉलो कीजिए। फास्ट कोट कलर हो गया है, एक बेस कलर है, अभी ग्लेस से सूखने के बाद मैट हो जाएगा। तो देखिए सूख गया है, वो मैट हो गया है। तो इसमें हम दूसरा कोट कलर एप्लीकेशन करेंगे। देखिए तो आप लोगों को दूसरा कोट के लिए देखिए, तो जो जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया है तो आप लोग भी इस प्रोसेस से काम कीजिए, तो आप लोग का भी काम अच्छा होगा और बहुत ही बढ़िया होगा। तो देखिए हम लोग कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए इसमें भी दूसरा कोट मार रहे हैं हम लोग, ढाई कोट कलर मारेंगे हम लोग, उससे ज़्यादा कलर नहीं मारेंगे। तो आप लोगों को न्यू पैनल कैसे रेडी किया हमने और कैसे कलर कर रहा है और इसका क्लियर का प्रोसेस भी दिखाएंगे। क्लियर जब होगा तो आप लोगों को देखिएगा एकदम न्यू जैसा कलर दरवाजा का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए जिसमें इसमें हम लोग कलर कंप्लीट किया है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो देखिए कलर सूख गया है, ठीक है। तो अभी होगा कंट्रोल कोट। तो देखिए कंट्रोल कोट कैसे बनाए, वो तो हाफ कोट को कंट्रोल कोट बोलता है। तो देखिए अंदर में भी कलर मारेंगे हम लोग, किन्हीं दरवाजा बाहर अंदर दोनों कलर मारना चाहिए। तो देखिए कंट्रोल कोट हो रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रोल कोट माने हाफ कोट। तो देखिए कंट्रोल कोट हमेशा याद रखना, कंट्रोल कोट गाड़ी में मारना चाहिए। कंट्रोल कोट नहीं मारेंगे तो कलर आप लोगों का जो दाना है वो नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें भी हम लोग अंदर में थोड़ा कलर मारेंगे और उसके बाद लोग इसको भी कंट्रोल कोट मारेंगे। तो कंट्रोल कोट कैसे मारना है वो तो आप लोगों को मालूम ही है, जो थोड़ा प्रेशर कमा के हल्का से उड़ा दो कंट्रोल कोट। तो जैसा करके हमने काम किया है तो आप लोग भी इस प्रोसेस से काम कीजिए और प्लीज़ मेरा वीडियो पे फॉलो कीजिए। और आप लोग बताइए जब आप लोगों को कौन सा वीडियो देखना है, हम वो वीडियो लेके आएंगे। तो देखिए अभी होगा क्लियर कोट और क्लियर टू कोट मानना चाहिए, टू कोट क्लियर में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्लियर हम ज़्यादा नहीं मारेंगे, टू कोट में फिनिश कर देंगे। तो देखिए टू कोट में फिनिश कर देंगे क्लियर। तो आप लोगों को मेरा क्लियर का प्रोसेस कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बोलिए और मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए अच्छा से। और प्लीज़ देखिए इसमें भी टू कोट क्लियर मारेंगे। जैसे करके हमने काम किया है तो आप लोग भी इस प्रोसेस से काम कीजिए, तो आप लोगों का भी वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, बढ़िया होगा।
जब भी काम करना है तो ध्यान से काम कीजिए, तो आप लोगों का भी काम अच्छा होगा। इस कलर का नाम है बारगेंडी रेड, ये एमजी का हेक्टर का कलर है बारगेंडी रेड। तो देखिए क्लियर फास्ट कर कंप्लीट है, अभी फाइनल क्लियर मारेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें फाइनल क्लियर मारेंगे अभी। तो जिस जो प्रोसेस से हमने काम किया है आप लोग भी वो प्रोसेस से काम कीजिए, तो आप लोगों भी काम न्यू जैसा हो जाएगा। देखना तो देखिए आप लोग हम लोगों का प्रोसेस देखिए कलर का, तो जो जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया है आप लोग वो प्रोसेस से काम कीजिए, तो आप लोगों का काम बहुत ही अच्छा बढ़िया होगा। देखिए कलर जैसा था क्लियर, एकदम न्यू जैसा बना दिया हमने। जब भी कलर करना है तो ध्यान से कीजिए। तो देखिए अभी जो फ्रंट डोर है तो फ्रंट डोर को भी अभी क्लियर फिनिश करेंगे। देखिए तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए ऐसा क्लियर जो है प्रोसेस, देखिए एकदम न्यू जैसा है। तो आप लोगों को मेरा प्रोसेस कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो देखिए मेरा क्लियर कंप्लीट है, आप लोग फॉलो कीजिए। देखिए फॉलो कीजिए, एकदम न्यू जैसा हो गया कलर, एकदम नया जैसा। देखिए कोई ऑरेंज फील नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए जो आप लोगों को मेरा प्रोसेस कैसा लगा, तो प्लीज़ फॉलो मी। तो देखिए दोनों दरवाज़ा मेरा कंप्लीट है, देखिए ये दरवाज़ा भी कंप्लीट है, एकदम न्यू जैसा। देखिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए जी आप लोगों को मेरा काम का प्रोसेस कैसा लगा। तो देखिए कंप्लीट है, अभी जो डोर है वो हम लोग कार में फिटिंग करेंगे। देखिए इस डोर को हम कार में फिटिंग करेंगे, देखिए कार में फिटिंग हो रहा है। तो फिटिंग के बाद आप लोग बोलिए जी आप लोगों को कैसा लगा। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए। और आप लोगों को कलर के बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो कमेंट में बोलिए, आपको हम बोलेंगे जी इससे होगा ये काम। तो देखिए दोनों दरवाज़ा रेडी है, कलर भी सेम है। तो जैसा करके हमने काम किया है आप लोग भी मेरा प्रोसेस के अप्लाई कीजिए, तो आप लोगों का भी काम बहुत ही अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो जो जो प्रोसेस व्यवहार किया हमने तो आप लोग भी इस प्रोसेस से काम कीजिए। और आप लोग हमको बताइए जब लोगों का कैसा लगा मेरा वीडियो। तो देखिए जैसा था एकदम ओरिजिनल, ओरिजिनल जैसा हमने कट दिया है। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे इसको लॉक करके, देखिए अभी लॉक छा रहा है, तो लॉक को फिटिंग करना दीजिए, लॉक फिटिंग हो जाएगा आप लोगों को करके हम दिखाएंगे अभी। तो देखिए अभी दरवाजा हम लॉक कर दिया है, तो अभी फॉलो कीजिए, एकदम न्यू जैसा हो गया है। ठीक है तो देखिए एकदम मेरा काम कंप्लीट है, फिनिश है। तो गाड़ी कैसा डैमेज था तो इसका हमने कैसे करके दरवाजा चेंज करके नया जैसा बना दिया। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और भी वीडियो लेकर आएंगे।